करते हैं, सेवा थोड़ा परिचय देते हैं। मेरा नाम नरेश कुमार मलकट, नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा राज्य समिति। क्या नाम है, कितने कर्मचारी हैं? आज लगभग नगर निगम भोपाल के तमाम कर्मचारी, सफाई कर्मचारी 6000 के लगभग, सिविल कर्मचारी 300, बाहर और अन्य कैटेगरी के सभी कुल मिलाकर के 7000 के लगभग सफाई कर्मचारी और अन्य कैटेगरी के कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ये हड़ताल हम इसलिए कर रहे हैं कि नगर निगम प्रशासन द्वारा सरकार और मंत्रियों ने मिल करके यहाँ जो ONM का ठेका दे दिया गया और जो पहले से कार्यरत 3480 सफाई कर्मचारियों को बेरोजगार कर दिया गया, इसके विरोध में आज ये नगर निगम गुड़गावा का तमाम कर्मचारी नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा इकाई गुरुग्राम के आह्वान पर आज हड़ताल पर है। ये हड़ताल 3 दिन के लिए, अरे इसके बावजूद भी अगर हमारी इन मांगों को नहीं माना गया तो ये हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील कर दी जाएगी। देखिए, हम लगातार 21 तारीख से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे थे और हम कह रहे थे कि 11 तारीख से हम हड़ताल पर चले जाएंगे। हमने कम से कम 20-22 दिन हो गए यहाँ बैठे हुए और निगम प्रशासन को और यहाँ के DC को, CP को और यहाँ तक मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार को, प्रधान सचिव को, सबको निंदित में अपना नोटिस दे रखे हैं। हमारी इसमें कोई गलती, हमें कोई शोक नहीं है हड़ताल करने का, ये हमारी मजबूरी है। 3480 सफाई कर्मचारियों को अचानक ये तुगलक फरमान जारी करते हुए इनको नौकरी से हटा दिया गया और जो ठेका दिया गया उसमें पहले कर्मचारी बैंक से तनख्वाह ले रहे थे 15,905 रुपए किसी रेट ले रहे थे, और आज वे कर्मचारी वर्कआउट कोर्स का ठेका दे करके 10,000 रुपए लेने पर मजबूर कर दिए गए, जिसमें ठेकेदार उनको 7-8,000 रुपए ही देगा। ये खाका इंसाफ है, कर्मचारियों को तनख्वाह बढ़ाने की बजाय तनख्वाह घटानी चाहिए। ये हड़ताल लगातार क्रम में चलती रहेगी जब तक कि हमारी इन सभी मांगों का, लोकतंत्र की मांगे हमारी, हमारे यहाँ पर क्षेत्र बल आबादी के हिसाब से 6,500 सफाई कर्मचारियों के पद और 550 सिविल कर्मचारियों के पद सभी होनी चाहिए, क्योंकि 40 लाख के लगभग आबादी है, सफाई कर्मचारी कम लगा रखे, संसाधन नहीं है, ट्रैक्टर भी नहीं है, रिक्शा रेडी नहीं है, कैसे सफाई अभियान चलेगा? और ये कर्मचारी आज हड़ताल पर बैठे, कोरोना जैसे काल में भी इन्होंने अपनी सेवा दी है और आज ये 5-5 साल 6-6 साल से लगातार जो काम कर रहे थे अचानक इनको घर का रास्ता दिखा दिया गया। मेरा नाम राम सिंह सर, इकाई प्रधान नगर पालिका कर्मचारी संघ गुरुग्राम। क्या कहना चाहोगे सरकार से लगातार जो मांगे कहते हो, सरकार पहले कहती है कर देंगे पूरी और फिर नहीं की जाती? हम सिर्फ और सिर्फ आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं हरियाणा सरकार को, हरियाणा सरकार जो हमारे साथ वार्ता करती है और वार्ता करने के बाद वादा खिलाफी करती है, ये कब तक चलेगा हम ये देखना चाहते हैं। 2024 में सुपड़ा साफ हो जाएगा, जब तक चलेगा, या 2024 में ये उम्मीद करते हैं जब तक चलेगा, अगर ये 2024 में उम्मीद करते हैं कर्मचारी वर्ग से, तो मैं ये कहना चाहता हूँ जो दो दौर की वार्ता हुई है उन वार्ताओं को परिपत्र जारी करें और कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने का काम करें, ठेकेदारी प्रथा नगर पालिका परिषद निगमों से मुल्क खत्म करने का काम करें। इन्होंने हमें वादा किया, शहरी स्थानीय निकाय मंत्री कमल गुप्ता ने वादा किया है और हमारे जो ULB के डायरेक्टर हैं उन्होंने वादा किया है, अगर ये वादा अपना पूरा नहीं करेंगे तो गुरुग्राम में जो स्थानीय स्तर पर हड़ताल चल रही है, 3480 कर्मचारियों को बेरोजगार किया है, इसके परिणाम भी आगे प्रशासन को भुगतने पड़ेंगे। आज पहला दिन है हड़ताल का और हमने हड़ताल की है, ये हड़ताल हम 3 दिन करेंगे, अगर 3 दिन के अंदर समाधान नहीं हुआ तो हमें यह हड़ताल अनिश्चितकालीन हड़ताल में तब्दील करनी पड़ेगी। और रोहतक रैली के लिए हम जा रहे हैं यहाँ से पैदल मार्च करते हुए, हर गाँव में, हर शहर में इस सरकार की पोल खोलते हुए जाएंगे, कर्मचारी विरोधी नीतियों की पोल खोलते हुए।